हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जो कि उनका आज फर्स्ट डे है, और उनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है और कहां से आए हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिल सके, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख सकें। सो गाइस, वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं बट चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, इसलिए उनको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट अलग होते हैं, माइंड सेटअप अलग होता है सबका, कॉन्फिडेंस सबका अलग होता है, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं होता है, ये मल्टीटास्किंग है। किसी को हफ्ता भी लग जाता है, किसी को 10 दिन भी लगता है, किसी को महीना भी लग जाता है। हल्का राइट रखो। तो दोस्तों, स्टूडेंट का नाम जान लेते हैं, क्या नाम है? हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? गुलजार, मोहम्मद गुलजार। और कौन सा डेज है आज आपको? फर्स्ट डे। इससे पहले कभी कोई कार चलाई आपने? नहीं चलाई। ओके, सो गाइस, आज इनका फर्स्ट डे और फाइनली मैं इनको ले आया हूँ क्राउड वाले एरिया पे, एकदम बिजी रोड पे ले आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी आईडी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे एफबी पे फॉलो कर सकते हैं, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से मेरा पेज बना है। इन सारी जगह आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ड्राइविंग से रिलेटेड। और अगर आप लोग बाहर से हैं, लखनऊ से बाहर से, तो भी आप मेरे पास आ सकते हैं। यहाँ पर रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था है। 7 डेज में मैं आपको ऑलराउंडर बना दूंगा, परफेक्ट बना दूंगा। कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर आप 7 दिनों में चला सकते हैं। बाकी आप मुझे कॉल करेंगे, सारी डिटेल्स मैं उस पर बता दूंगा। सो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि फाइनली अभी हम लोग हैं कुर्सी रोड पर, ये है डिवाइडर रोड। डिवाइडर रोड पे चलाना बहुत आसान होता है, और जो सिंगल रोड होता है वहाँ पे चलाना बहुत टफ होता है, क्योंकि सिंगल रोड पे सामने से आने वाली गाड़ियों को से खतरा रहता है भिड़ने का, क्योंकि अंदाज़ा नहीं लग पाता कि हमारी गाड़ी कितने स्पेस में निकल जाएगी, और सामने से जो गाड़ी आ रही तो हम अपनी गाड़ी कितना लेफ्ट दबाएँ जिससे कि हमारी गाड़ी आसानी से निकल जाए। और कुछ लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है कि लेफ़्ट के जजमेंट के लिए। सो गाइस, लेफ्ट का जजमेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी, बस थोड़ा सा माइंड चेंज करने की ज़रूरत है। होता है क्या है कि जब हम स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो हम बैठते हैं बीच में, तो हमको दोनों साइड का दिखता है, लेकिन जब कार में बैठते हैं राइट साइड में, हमको टायर नहीं दिख पाता है, ना लेफ्ट का ना राइट का। स्पीड थोड़ी कम रखो, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, प्रॉपर ब्रेक पे पैर रखो। राइट में बैठते हैं और हमको ये लगता है कि बस हमारी वही स्कूटी की आदत होती है। तो जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो मूर्ति लगी है शंकर जी की, यहाँ से और इस साइड का, बस इससे ज़्यादा स्टूडेंट का जजमेंट नहीं आ पाता है, बस वो यहाँ से इसी साइड का जजमेंट ले पाता है, और लेफ्ट साइड वाला एरिया उसको अंदाज़ा ही नहीं मिल पाता। राइट जाना, धीरे धीरे राइट टर्न करो, धीरे धीरे राइट काटो, राइट काटो। सिग्नल नहीं दिया आपने, राइट का सिग्नल दो। पहले लाइन चेंज करने के लिए सिग्नल बहुत ज़रूरी होता था, कि पीछे वाला कन्फर्म हो जाए कि आप जाना कहाँ चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, सीधी करो। और बार बार आपका पैर एक्सेलेटर पे चला जाता है। मैंने अभी आपको मना किया था कि पैर एक्सेलेटर को टच ही नहीं करना है। विदाउट एक्सेलेटर चल रही है ये, जब एक्सेलेटर से जरूरत नहीं तो हमारा पैर ब्रेक पे रहना चाहिए, एक्सेलेटर पे नहीं। आगे से लेफ्ट जाना है, सिग्नल दो लेफ्ट का ऊपर को। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे चौराहा है, काफ़ी क्राउड भी है। राइट रखो हल्का सा, हाँ हल्का राइट, और स्टीयरिंग सही से पकड़ो 3 और 9 पे, बहुत लाइट हाथों से, ताकत नहीं लगाना, हल्के हाथों से जाने दो धीरे धीरे। हाँ, पूरा क्लच दबाओ, फुल क्लच दबाओ, और इसको पहले गियर में करो, पहले गियर में करो, जल्दी से जाओ। चलो अब पहले ब्रेक छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, अभी धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। स्टीयरिंग को ग्रिप बना के नहीं, राइट काटो, राइट राइट राइट। हाँ, वापस लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे धीरे। हाँ, लेफ्ट चलना है हम लोग को, टर्न करो धीरे धीरे। चलो जाओ 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 जाओ, निकालो निकालो, जाओ 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 जाओ। हाँ, यहाँ से लेफ्ट, बहुत ध्यान से जाने दो धीरे धीरे। लेफ्ट आओ और लेफ्ट, अभी लेफ्ट वाली लाइन में लेके आओ उसको। अभी स्टीयरिंग सीधी करो, वापस लेफ्ट आओ, बस। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबाओ फटाफट, लेफ्ट आके पीछे खींचो, गुड, छोड़ो क्लच धीरे धीरे, झटके से नहीं, तो ये आ गई गाड़ी आपकी सेकंड गियर में। अभी आप सेकंड गियर में 20 से 30 चल सकते हैं। सो गाइस, जो मैं बता रहा था कि हमें जजमेंट क्यों नहीं आता, होता है क्या है ना कि हम आधी गाड़ी समझ पाते हैं, स्टीयरिंग जो हमारी राइट साइड वाली ड्राइविंग सीट है, बस इसी साइड का हमको अंदाज़ा हो पाता, और जो ये एरिया है आप देख रहे हैं ना, कार हमारी यहाँ तक बाहर है निकली हुई। इस गाड़ी की चौड़ाई है 5.5 फिट, बट लेफ्ट वाला और राइट वाला साइड मिरर लेने के बाद गाड़ी हो जाती है 7 फिट की,
तो हमको कम से कम इसको निकालने के लिए 8 फीट जगह चाहिए। तो लेफ्ट में हमारी नज़र ही नहीं जाती क्योंकि आदत पड़ी है बाइक की, स्कूटी की, क्योंकि सालों से चला रहे हैं। अभी बैठ गए कार में तो अचानक ये चीज़ समझ में नहीं आती। जब भी आप कार कभी भी चलाओ या सीखो जो भी है, तो हो सके तो उसे किसी ग्राउंड में ले जाओ 1-2 दिन के लिए, ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें वो समझ में आ जाए। और कार ड्राइविंग के टाइम कम से कम ड्राइविंग सीट से 100 मीटर आपकी नज़र दूर रहनी चाहिए। 99% नज़र आपकी लेफ्ट में रहनी चाहिए। जैसे अभी देखो लेफ्ट में 2 स्कूटी खड़ी हुई हैं और ये गाड़ी जो चल रही है वाइट लाइन से लेफ्ट के अंदर 4 फीट के अंदर है। अभी मेरे लेफ्ट में जो वाइट लाइन है यहाँ से 4 फीट जगह है। तो आप इन चीज़ों पर अगर फोकस करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं गाड़ी में स्टीयरिंग देखने लगते हैं, कुछ लोग बोनट देखते हैं, इन सब चीज़ों से आपको लेफ्ट का जजमेंट नहीं आएगा। अगर गाड़ी आप चलाते हुए 100 मीटर आगे देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि गाड़ी की लेंथ क्या है, गाड़ी की सिचुएशन क्या है, हमारी गाड़ी का पहिया कहाँ चल रहा है। और ये लेफ्ट वाला जो साइड मिरर है इससे बहुत हेल्प मिलती है लेफ्ट के लिए। और अगर और ज़्यादा दिक्कत होती तो आप किसी भी एसेसरीज़ की शॉप पे जा सकते हो और हमारे बोनेट पे जो एक रॉड लगी हुई है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। 200-300 रुपये की आएगी, कोई कॉस्टली नहीं है और आसानी से लग जाएगी। ब्रेक के पैर रखो, 20 फीट ब्रेकर आपको नज़र आया था, छोड़ो ब्रेक, छोड़ो, आया था नहीं आया था, नहीं आया था ना, राइट रखो, राइट राइट सिग्नल दो, हाँ काटो राइट, बस हल्का सा एक्सेलेटर लो, चढ़ाई है। राइट वाले मिरर में देखो पीछे से ट्रैफिक आ रहा होगा फ्लाईओवर से, तो तेज़ी से, और लेफ्ट रखो। ऐसी कंडीशन में कभी भी हम जब लाइन चेंज करते हैं तो पीछे वाली गाड़ियों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जो फ्लाईओवर से आ रहा होगा बहुत तेज़ी से आता है। और कई बार ऐसा होता है कि एकदम से आपने लेफ्ट से निकाला और राइट चले गए तो पीछे वाला उड़ा देता है। चलो स्पीड बढ़ाओ, जाने दो। सो गाइस फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के हिसाब से अच्छा चला रहे हैं, बट थोड़ा डर रहा है क्योंकि 15 दिन पहले इनका स्लॉट बुक हुआ था, इनको बोला था वीडियोस देख लो, पर ये भी माशाल्लाह है, इन्होंने वीडियो देखी नहीं है। और बाकी फिर भी डेज के हिसाब से ठीक ही चला रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं, दिक्कतें आती हैं 40 साल के बाद, 40 से 60-70 साल के लोगों को वहाँ पर थोड़ा सा रहता है जिम्मेदारियाँ। स्पीड कम करो, ब्रेक लो हल्का, हाँ बस जाने दो, धीरे धीरे वापस लेफ्ट आओ। हाँ अब जैसे अभी आपने लेफ्ट कार टर्न करी तो क्या आपने लेफ्ट वाला मिरर देखा था? फिर कैसे पता चलेगा आपके लेफ्ट में कौन है? पता चलेगा? नहीं चलेगा। इस गाड़ी के चारों तरफ नज़र आपकी राइट वाले मिरर से राइट साइड आप देख सकते हो, लेफ्ट वाले मिरर से लेफ्ट देख सकते हो, लुकिंग ग्लास से आप पूरा बैक साइड देख सकते हो, फ्रंट आप देख ही रहे हो। सबसे ज़्यादा हमें साइडों में ध्यान रखना होता है, लेफ्ट से लोग ओवरटेक कर जाते हैं। चलो स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, और हाँ अभी लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ अभी लाइन चेंज करना है। एक टायर इधर लेफ्ट लेके आओ डिवाइडर के बगल में, एकदम लेफ्ट वाले मिरर पे एक बार नज़र डालो। हाँ सीधी करो गाड़ी, लेफ्ट आओ हल्का लेफ्ट। अब गाड़ी रोकनी यहाँ पे प्रॉपर, पूरा क्लच देन ब्रेक, फुल क्लच और ब्रेक, दोनों चीज़ दबा के रखना, छोड़ना नहीं। अभी सिग्नल बंद कर दूँ, गुड। अभी कौन से गियर में गाड़ी है? सेकंड गियर। वापस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट गियर। हाँ तो इसको फर्स्ट गियर करो, हो गया। अभी पहले ब्रेक छोड़ना है आपको, हाँ अब राइट वाला सिग्नल दो, राइट की तरफ सिग्नल दो, ताकि पीछे वाले लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी वापस मूव हो रही है, रोड पे आ रही है। हाफ क्लच छोड़ना है, बस हाफ, इससे ज़्यादा नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं। गाड़ी बढ़ गई, फिर वापस क्लच दबाओ, पूरा क्लच। हाँ देखो गाड़ी गियर से एक्टिवेट हो गई, डीएक्टिवेट, ठीक है। फिर वापस हाफ क्लच छोड़ो, हाफ क्लच सिर्फ, बस इससे ज़्यादा नहीं। गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, ये चीज़ हमको समझनी है कि कितना क्लच रिलीज़ करने के बाद गाड़ी गियर। कुछ लोग जल्दी से क्लच छोड़ देते पूरा तो गाड़ी बंद हो जाती झटके से। आप फर्स्ट डे के हिसाब से 2 बार गाड़ी आपने रोकी बढ़ाई, 1 बार भी बंद हुई? नहीं हुई, क्योंकि क्लच को आपने समझा। एक बार फिर पूरा क्लच दबाओ, फिर हल्का सा ब्रेक, हाँ ब्रेक दबाओ, वापस ब्रेक छोड़ो, हाफ क्लच छोड़ो, हाफ, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो ज़्यादा क्लच छोड़ा था आपने, भी इंजन बुझ जाता और पैर आपका 2 इंच बाहर निकला हुआ है पैंडल से। लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, राइट काटो और काटो, राइट 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 राइट, बस वापस लेफ्ट आओ फटाफट। देखा नहीं, ये भी छू जाती, सीधी करो, चलो बढ़ाओ। जो ये उंगलियाँ आपने लेफ्ट वाले पैर के ऊपर निकाल रखी हैं इनको पीछे करो, और पीछे करो, ये पॉइंट होना चाहिए बस, इससे 1 इंच भी पैर ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ अभी और बढ़ाओ, थोड़ा सा रेस करो, और राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबाओ फटाफट, गुड, वेरी गुड, छोड़ो, जाने दो। सो गाइस आपने देखा
इनका फर्स्ट डे और फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत अच्छा चला रहे हैं, नो डाउट सीख जाएंगे बच्चे, बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।